स्क्रीन पे एक कार्टून देख रहे हैं आप। इस कार्टून में आपको दिख रहा है एक तरफ पुतिन है और दूसरी तरफ पीएम मोदी है और तीसरी और चौथी तरफ भी कोई है जो इनकी मुलाकात को झांक रहा है। एक तरफ अमेरिका है और दूसरी तरफ चाइना है। ये कार्टून इस वक्त बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। क्या कुछ ऐसी ही परिस्थिति है? चाइना और अमेरिका के बीच में क्यों खलबली मची हुई है, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ चाइना के वैज्ञानिकों ने क्या एक महाशक्तिशाली रडार को तैनात कर लिया है, जानेंगे इस रडार के बारे में भी। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन के वैज्ञानिकों ने एक बड़ा दावा किया है और इनका कहना है कि हमने आखिरकार रडार की वो टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है जो हाइपरसोनिक हथियारों की दौड़ में तेजी ला सकती है। चीनी वैज्ञानिकों की टीम ने कहा है कि उन्होंने एक ऐसा रडार बनाया है जो Mach 20 की स्पीड से आने वाली 10 हाइपरसोनिक मिसाइलों को एक साथ ट्रैक करने में सक्षम है। इसके साथ ही ये गलत टारगेट को भी पहचान सकता है कि ये गलत टारगेट है, ये सही टारगेट है। प्रोजेक्ट पर काम कर रही इस टीम का नेतृत्व सिंघुआ यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि जमीनी सिमुलेशन के दौरान नया रडार 7 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से यात्रा कर रही मिसाइल की गति का अनुमान लगाने में 99.7% तक सटीक था, जब मिसाइल की दूरी का अनुमान लगाने में इसने 28 सेंटीमीटर की गलती दिखाई। वैसे आपको बता दूं, ये एक ऐसा कारनामा है जिसे असंभव माना जाता है, लेकिन चाइना कह रहा है, स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि लेजर का इस्तेमाल किया गया है ताकि सटीकता का पता चल सके। सटीकता के साथ रडार संकेतों को उत्पन्न करे और उसको पढ़ पाए, इसके लिए बहुत ही तेज गति से चलने वाले इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है, क्योंकि अगर ज्यादा गति से कोई भी इलेक्ट्रॉन चलता है तो संभावित तौर पर जो सर्किट बोर्ड बनेगा वही जल जाएगा। तो यहाँ इनका कहना है कि हमने बोर्ड शोर्ड और ऐसा कुछ इलेक्ट्रॉन्स वगैरह का इस्तेमाल करने के बजाय हमने लेज़र का ही इस्तेमाल किया है और लेज़र से हमने माइक्रोवेव संकेतों को उत्पन्न किया है और उससे हमने पता लगाया है अल्ट्रा हाई स्पीड ऑब्जेक्ट को। अब ये कहा जा रहा है कि मिसाइलों या विमानों को ट्रैक करने के लिए अब चाइना इसकी तैनाती आने वाले निकट भविष्य में कर सकता है। हालांकि चाइना इस तरह के दावे बहुत ज्यादा करता है, पर चाइना के हथियारों को लेकर एक ही दिक्कत है, और वो दिक्कत क्या है कि भले हो सकता है कि इन्होंने इस तरह के हथियार बना लिए हों, पर न तो इनके हथियार आज तक जिन जिन देशों के पास गए हैं न तो वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखा पाए हैं और न कभी चाइना ने किसी युद्ध को इस तरीके से लड़ा है कि उसके हथियारों का ताकत पता चल सके। इसलिए कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। पर हाँ, चाइना अपने हथियारों को लगातार अपग्रेड कर रहा है। नए हथियारों के ऊपर प्रयोग भी चाइना कर रहा है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक खलबली मची हुई है। एक तो पश्चिमी जगत में मची हुई है, सो मची हुई है, दूसरी तरफ ये मची हुई है चाइना के अंदर भी। कल हमने आपको बताया था कि भारत के विदेश नीति को लेकर तारीफ हो रही थी कि हाँ जी, भारत ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, लेकिन आज चाइना के रुख में थोड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, ANI ने पोस्ट किया है, जिसमें पीएम मोदी आखिरकार 22वें शिखर सम्मेलन के लिए निकल चुके हैं और यहाँ पर मुलाकात होगी आज रात तक में राष्ट्रपति पुतिन के साथ, और उसके बाद वो डिनर करेंगे, प्राइवेट डिनर होगा, बातचीत होगी। अब किन किन मुद्दों पर बातचीत होगी उस पर भी डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले आपको बता दूं, ये एक तस्वीर देख रहे हैं, बहुत रेयर तस्वीर है ये। पुतिन की पत्नी को शायद बहुत कम लोगों ने देखा होगा। ये ताजमहल के पास बैठे राष्ट्रपति पुतिन और उनकी पत्नी है। कब का है ये फोटो? ये फोटो है 2000 का, वो साल जब रूस और भारत ने तय किया हम वार्षिक बैठक किया करेंगे, हम अपनी दोस्ती को रणनीतिक लिहाज से और आगे ले जाएंगे, एक दूसरे के दोस्त बनकर रहेंगे।
ये वो समय था। तब से लेकर भारत और रूस के बीच में कई सारी मीटिंग हुई, पर पिछले रूस यूक्रेन के युद्ध के समय से ये बंद रही। अब जाकर पीएम मोदी यहाँ जा रहे हैं और एक नई शुरुआत हो रही है। क्रेमलिन जो कि रूस की मीडिया है, उन्होंने भी इस बात को कहा है। उन्होंने कहा कि देखिए, भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी की मॉस्को की यात्रा बहुत ही ज्यादा खास है, हम लोग इसके लिए तैयारियां भी कर रहे हैं। स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं, स्पूतनिक इंडिया ने इस वीडियो को शेयर किया है, जिस वीडियो में वो दिखला रहे हैं कि रूस के अंदर पीएम मोदी के स्वागत के लिए किस तरीके से तैयारियां चल रही है। और ये चीजें बतलाती हैं कि रूस भारत के साथ अपनी दोस्ती को लेकर बहुत ही ज्यादा मायने देता है। और इस चीज को इन्होंने कहा भी कि रूस और भारत के संबंध के लिए ये यात्रा बहुत खास यात्रा है। रूस के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास और कार्यालय क्रेमलिन के प्रवक्ता ने इस बात को कहा। इन्होंने कहा कि इस वक्त पश्चिमी देश ना ईर्ष्या से देख रहे हैं। हालांकि आपको बता दूं, क्रेमलिन ने भारत के साथ रिश्तों को लेकर तारीफ करी और कहा कि ये रिश्ता बहुत ही ज्यादा अच्छा है, पर यहाँ पर पश्चिमी देशों की इन्होंने आलोचना भी करी। स्पूतनिक इंडिया की इस खबर को देख सकते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि देखो, अभी से पश्चिमी देशों का रोना शुरू हो गया। दरअसल ये बात ये क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर डेरेक जो ग्रॉसमैन, इन्होंने कहा था, इन्होंने पीएम मोदी और पुतिन की यात्रा को लेकर एक ट्वीट किया था, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पत्रकार हैं ये महोदय और इन्होंने पीएम मोदी और पुतिन की यात्रा को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए। हालांकि यहाँ पर सिर्फ वेस्ट ही नहीं बल्कि चाइना के अंदर भी खलबली मची हुई है। चाइना के जितने भी मित्र राष्ट्र हैं सबके साथ उसका सीमा विवाद है, भारत उनमें से एक है। रूस भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, तो चीन को इसलिए भी सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है क्योंकि इस वक्त भारत रूस के साथ खड़ा दिखता है। इस समय उसके अमेरिका और पश्चिम के साथ भी संबंध अच्छे हैं। चीन को मिर्ची इसी बात की लग रही है, उसे लगता है कि कभी चीन ताइवान की स्थिति बने तो भारत उस वक्त उसके खिलाफ अमेरिका का साथ न दे दे। हालांकि भारत अपनी स्वतंत्र नीति के लिए जाना जाता है, चाहे वो गुटनिरपेक्षता का दौर हो, चीन को लग रहा है कि वो एक सुपर पावर बन गया है और अमेरिका इस बात को हवा भी दे रहा है। और पश्चिमी देशों को जो दिक्कत है वो तो आज से नहीं बल्कि काफी। स्क्रीन पर कुछ पुरानी तस्वीरें देख सकते हैं। एक समय था पीएम मोदी अटल बिहारी वाजपेयी के साथ यहाँ पहुंचे हुए थे और उसके बाद अब ये फिर से अपने रिश्तों को कई बार आगे बढ़ाते हुए नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।